ये देखिए मटन पाया हमने ले लिए हैं, 8 पीस मटन पाया को लिए हैं। अब गर्म पानी में मटन पाया को डालेंगे। इस तरह गर्म पानी में डाल के 5 मिनट रखना होगा। बाल हटा लिए हैं गर्म पानी में, अब रेजर से इसको बढ़िया से साफ कर लेंगे और इसका खुरी तो हटाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं खुरी है, इसको मार देंगे, ये निकल जाएगा बाहर। देखिए किस तरह से हटाना होगा। इस तरह चारों तरफ से पीटना होगा इसको और इसको इस तरह से निकाल देना होगा। देखिए इस तरह निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया। सभी मटन पाया को बढ़िया से साफ कर लिए हैं, एकदम देख सकते हैं एकदम क्लीन कर लिए हैं दोस्तों। इस तरह साफ करना होगा। अब इसको कटिंग करेंगे, पीस पीस बनाएंगे। ये मटन पाया जो है दोस्तों, मटन पाया साफ करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ये जो खाने में होता है ना, बहुत ही टेस्टी रहता है। इसमें बहुत काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगर आपका घुटना में दर्द है दोस्तों तो इसको खा सकते हैं, इसका रस्सा को बना करके, इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो चलिए दोस्तों इसको कटिंग कर लेते हैं। एक लेग का 4 पीस बनाए हैं। जीरा, काली मिर्च, साथ में कुछ खड़ा गरम मसाला, मटन पाया को अच्छे से बढ़िया तरीके से धो लिए हैं। मटन पाया के साथ नमक और हल्दी मिला देंगे अच्छे से और इसको कुकर में डाल देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए कुकर को लॉक कर देंगे। अब ऐसे बहुत सारा सीटी लगाएंगे। अब दस से 12 सीटी लगा लिए हैं। ये देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है। सरसों तेल डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, इसको कम तेल में ही बनाएंगे। बस इतना ही तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, 2 तेज पत्ता, 2 दालचीनी, 1 बड़े इलायची, 1 छोटे इलायची, 2 लौंग, 2 मीडियम साइज के प्याज, 1 नमक, 1 प्याज। अच्छे से फ्राई हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ, मसाला पिसी हुई, लाल मिर्च, सारे मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, मसाला में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तीखा बन रहा है ना? सभी चीज डाला गया है। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, कहे कि इसमें जो उबाले थे तब इसमें नमक डाले थे, आप यहाँ थोड़ा सा डाल रहे हैं। आप अपना हिसाब से डालिएगा, अगर आप पतला करी बनाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और इसका पतला करी ही बनता है। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब
अब इसमें डाल देंगे, पानी को बाद में डालेंगे, पहले मटन पाया को डाल देते हैं। दोस्तों विलेज स्टाइल रेसिपी देखने के लिए हमारे विलेज कुकिंग एंड ब्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि अब जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मटन पाया को मसाले के साथ 5 मिनट फ्राई कर लिए हैं और उसके जो बचा हुआ पानी है अब इसमें डाल देंगे। डाल दीजिए, यही पानी मेन है दोस्तों, यही पानी में तो सब विटामिन तो है, कैल्शियम है, सब विटामिन है इसमें। अब इसको जाएगा ये कढ़ाई में, थोड़ा सा और पानी दे देंगे। तीखा बनेगा कि हरा मिर्च दे इसमें? तीखा बन जाएगा। हैं? मटन पाया बनके रेडी है दोस्तों। और इसको टेस्ट करते हैं, इसका जो रस्सा होता है यही मेन है दोस्तों, इसको चेक करते हैं एक बार। चेक कीजिए और बताइए। बहुत टेस्टी है, मस्त बना है एकदम। आपका हड्डी का दर्द गायब हो जाएगा। हाँ, कमर का दर्द, घुटना का दर्द पूरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए हड्डी है, हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक गया है। ये जो हड्डी का बीच में जो कैल्शियम निकलता है दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। बहुत ही टेस्टी बना है। इस तरीके से बना करके एक बार जरूर खाइएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।